मैं मधु गुप्ता, आप देख रहे सिटी न्यूज़ 100। आपको बता दें कि जो ऑयल की जो गाड़ी आप देख सकते हैं, जो पेट्रोल की जो गाड़ी होती है, वो यहाँ पर इस वक्त अभी जो है पलटी हुई थी और अभी अभी देख सकते हैं इस क्रेन द्वारा जो है इसे उठाया जा रहा है और जिसके कारण देख सकते हैं इसमें बुरी तरीके से जो है इसका एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं कि डिवाइडर जो है डिवाइडर से आकर जो है टकरा जाती है और यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो उधर से दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो है यहाँ पर पूरी तरीके से जो अभी पलटा हुआ था, जिससे अभी यहाँ पर इस क्रेन द्वारा जो है देख सकते हैं कि उठाया गया है। अभी जो है पुलिस यहाँ पर मौजूद है और जो तमाम भीड़ है वो भी यहाँ पर मौजूद है। आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो है ऑयल जो है पूरे रोड पर जो है यहाँ पर हर जगह देख सकते हैं कि बिखरा हुआ है और आगे का जो टायर है देख सकते हैं वो भी पूरी तरह निकल गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो है एक्सीडेंट जो था वो कितना भयानक था यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अभी जो है किसी को कोई भी जो खतरा है वो नहीं हुआ है। देख सकते हैं कि अभी इसको यहाँ से हटाया जा रहा है। कि सर कैसे हुआ था, एक्सीडेंट कब हुआ था? पता नहीं मैडम, मेरे को बात क्या इन्फॉर्मेशन मिली आप लोग को? पता नहीं मैडम, इनसे बात कर लो आप। सर कब हुआ था एक्सीडेंट, कितने बजे के करीब हुआ था? सुबह हुआ था। और जो ड्राइवर है उसकी उसका क्या हाल है, मतलब भी जब एक्सीडेंट हुआ? ड्राइवर ठीक है जी, किसी को नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, अभी तो कोई सूचना प्राप्त हुई नहीं है। जैसी कोई प्राप्त होगी हॉस्पिटल वगैरह से उसके हिसाब से कार्रवाई मतलब लाई जाएगी। मतलब कितने बजे के आसपास हुआ है एक्सीडेंट? मेरे को तो अभी पता लग गया, कोई आधे घंटे पहले। तो देख सकते हैं कि जो एक्सीडेंट है अभी करीब आधे घंटे पहले ये बता रहे हैं कि हुआ है। देख सकते हैं कि इसको अभी यहाँ से जो है हटाने की कोशिश करी जा रही है क्योंकि इसके कारण जो है रोड काफ़ी जो ज़्यादा जो है जाम हो चुका है। आप देख सकते हैं जो ऑयल है वो पूरे रोड पर जो है किस तरीके से जो है बिखरा हुआ है काफ़ी दूर तक। देख सकते हैं कि पिगांव रोड पड़ता है जहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ है। देख सकते हैं सर क्या कितने बजे के आसपास हुआ है? पता नहीं मैम। देख सकते हैं आपको जो है थोड़ा नज़दीक से दिखाने की कोशिश करते हैं। देख सकते हैं कि जो आगे के जो पीछे जो टायर हैं वो भी निकल चुके हैं। एक बार जो है आपको जो है ट्रक जो है नंबर दिखाने की कोशिश करते हैं, 8J29GA9503। ये है जो गाड़ी नंबर है जो कि आपको दिखा दे। देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जो है यहाँ पर डिवाइडर जो है डैमेज हो चुका है। देख सकते हैं कि एक्सीडेंट कितना भयानक था, आपको नज़दीक से जो है दिखाने की कोशिश करते हैं। देख सकते हैं कि जो बताया जा रहा है कि जो ड्राइवर है वो अभी खतरे से बाहर है, मतलब उसे ज़्यादा हानि नहीं पहुंची है और जो भी सूचना होगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि तिगांव रोड पड़ता है जहां पर दो दो जो है क्रेन है उन्हें बुलाया गया इसको उठाने के लिए। देख सकते हैं और भी जो है लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। क्या सोचा मिली थी, कितने बजे के आसपास पलटा है ये ट्रंक? कितने बजे के आसपास पलटा है पता नहीं। इसके ड्राइवर का है पता है कुछ? देख सकते हैं कि क्रेन द्वारा जो है इसे यहाँ से हटाया जा रहा है। पुलिस भी जो है अभी यहाँ पे मौके पर मौजूद है और देख सकते हैं कि हर जगह जो ऑयल है वो किस तरीके से जो है बिखरा हुआ है आपको दिखा देते हैं। और ये तिगांव रोड पड़ता है। देख सकते हैं आपको जो है दूसरी साइड से भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरीके से जो है यहाँ से पूरी तरीके से डैमेज हुआ पड़ा है। देख सकते हैं कि जो डिवाइडर है सर काम है मेरा तो सर मैं रोक तो नहीं रही हूँ ना, उनको दूर ही खड़ी हूँ। दिख रहा है सर, देख रही हूँ मैं।
देख सकते हैं आप कि ये टैंकर जो यहाँ से कितनी पूरी तरीके से जो है डैमेज हो चुका है। इसका जो टायर है वो भी निकल के बाहर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि जो पूरा जो है यहाँ से डैमेज हो चुका है, पिचक चुका है, देख सकते हैं। और दो दो क्रेन को है जो इसे उठाने के लिए जो है बुलाया गया है। देख सकते हैं क्रेन है जो अपनी कोशिश में लगी हुई है इसे यहाँ से हटाने के लिए। देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है किस तरीके से जो ऑयल है वो यहाँ पर बिखरा हुआ है। और आपको बता दें वो लोकेशन फिर से, तो ये तिगांव रोड पड़ता है जहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ है। आपको बता दें फिर से ये तिगांव रोड पड़ता है जहाँ पर ये पेट्रोल जो गाड़ी जो यहाँ पर पलटी हुई है। आप देख सकते हैं कि रोज जो है आए दिन जो है एक्सीडेंट होते रहते हैं। बताया जा रहा है कि अभी किसी को भी जो है कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। जो ड्राइवर है वो भी अभी ठीक है। आगे की जो भी जानकारी होगी हम आपको जरूर बताएंगे। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 100, बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।